ओम शांति। ओम शांति। सिग्नल्स, अव्यक्त इशारे, कॉन्स्टेंटली साक्षी दृष्टा के स्थिति में
Touch. निरंतर बने रहें. Now, everywhere there has to be the way of being beyond body consciousness. शरीर का आधार लिया. Have an attitude of disinterest. अभी न्यारे हो गए. Body consciousness. Attitude of disinterest for the things of the body. हर कार्य करते हुए पाठ बजाते हुए स्वयं को न्यारी अवस्था में रखेंगे. Disinterest for feelings and intentions for the body. तुम बोल चाल से औरों का उपराम स्थिति का अनुभव होगा. Elevated progress for itself. जितनी स्थिति ऊपर जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे. When an atmosphere of an attitude शरीर में होते हुए भी उपराम अवस्था तक पहुंचते हैं बिल्कुल देह और देह से अलग महसूस. ओम शांति. अभी चारों ओर देह भान से उपराम रहने की लहर होनी चाहिए. पहले देह भान से वैराग्य वृत्ति, देह की बातों से वैराग्य वृत्ति, देह की भावना भाव इससे वैराग्य वृत्ति चाहिए. स्वयं की व सहयोगी आत्माओं की श्रेष्ठ उन्नति तब होगी जब वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनेगा. ओम शांति. ओम शांति. वेलकम टू अव्यक्ति परिवार. टुडेस डेट आप सबका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में. आज है दिन 23. टुडेस टॉपिक परमात्मा भगवान का साथी इंटेलेक्ट. आज का विषय है मोहिनी दीदी बुद्धि में निश्चय. अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे. Om Shanti, everyone. Om Shanti, आप सभी को. सभी ठीक हैं? सभी ठीक हैं बिल्कुल. सभी ओके भी हैं, ठीक भी हैं. So lots of greetings from Shantivan. Shantivan से आप सबका अभिनंदन करते हैं. Baba's children arriving now. बाबा के बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, यानी कि हजारों में बच्चे आ रहे हैं अब. दूसरे देशों में नहीं, थोड़े 400-500 नहीं, लेकिन हजारों में आ रहे हैं. बाबा का जो अब बाबा मिलन होने वाला है, आखिरी मिलन, उसके लिए तैयारियां चल रही है. बहुत ही सुंदर अनुभव हो रहा है. हम ज्यादा लोगों में नहीं जाते हैं, अपने ही हिस्से में हैं हम. To be companion of God. तो परमात्मा का साथी बनना. Interesting experience, right? Not only दादी जानकी was companion of God. दिलचस्प बात है. सिर्फ दादी जानकी ही परमात्मा का साथी नहीं थे, लेकिन हम सभी को परमात्मा का साथी बनना है. Companionship means और साथी बनना, यानी के be same, right? के दोनों की विशेषताएं एक जैसी होनी चाहिए. Our practice of being loving and तो हमारा अभ्यास न्यारा और प्यारा बनने का महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं sometimes because of attachment कभी कभी लगाव के कारण affected by something or other. भावनाओं को किसी न किसी प्रकार से जैसे कि इफेक्ट हो जाता है. और अगर आपकी फीलिंग्स अच्छी नहीं है तो फिर आप प्यारे नहीं बन सकते. So, every day the scenes of drama are different. तो हर रोज के सीन अलग हैं. And at conferences, scenes of drama. संगम युग पर ड्रामा के सीन different than every different every age. बहुत ही अलग है हर युग से. सत्युग में ड्रामा के सीन अलग होंगे, त्रेता
कलयुग में ड्रामा के सीन अलग होंगे, द्वापर कलयुग में भी सीन अलग होंगे। संगम युग पर आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें भी मिलती हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ से बहुत ही चुनौती वाली भी खबरें मिलती हैं, क्योंकि हम तमो स्थिति से सत्तो की स्थिति की तरफ जा रहे हैं। हम एक बहुत ही सुंदर संबंध बना रहे हैं एक दूसरे के लिए के साथ, और देह अभिमान के बहुत सारे बंधन भी हैं हमारे इतने जन्मों के जो हैं, हिसाब किताब हमें देने हैं द्वापर और कलयुग के हिसाब किताब देने। कोई भी न्यूज ऐसी नहीं हो कि हमको शॉक लग गया, नथिंग न्यू का पाठ याद रखना है, तो ज्ञान को यूज करें ताकि हम न्यारे बने रहें और प्यारे भी बने रहें। But for that, what is important? लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण चीज यह है कि 100% faith in the intellect. बाबा में, बुद्धि में शत प्रतिशत निश्चय होना चाहिए। Faith in my own intellect. मेरी बुद्धि में निश्चय नहीं चाहिए। Interpretation. But the faith I have in intellect. कि मुझे मेरी बुद्धि में जो निश्चय है उसे यूज करना है। Then you can be very stable, unshakable. फिर आप अचल अडोल रहेंगे, using, स्थिर रहेंगे। The faith which had been created by जब इस निश्चय को यूज करेंगे, जिस जो ज्ञान सुनकर all have faith बन गया था, faith in the self, faith हम सभी को निश्चय है स्वयं में, बाबा में, ड्रामा में। But then the power of faith is different. लेकिन निश्चय की शक्ति अलग है। जितना परसेंटेज निश्चय होगी उतना ही शक्ति होगी। In unshakable. अगर मुझे अचल अडोल रहना है, Which I saw, dadis were unshakable. जो मैंने देखा दादियां अचल अडोल थी हमेशा। We went with any kind of news to किसी dadis. भी प्रकार की सूचना हम लेके जाएं, खबर लेके जाएं दादियों के पास। Child, this happened before, Baba will say. बाबा कहेंगे बच्चे पहले भी हुआ था, nothing new है, ये ड्रामा में होना ही था। ड्रामा रिपीट हो रहा है। अगला सीन क्या है? जरूर कुछ कल्याणी होगा, क्योंकि एक सीन दूसरे सीन से जुड़ा हुआा है। कभी कभी आपको 5-6 सीन पसंद आते हैं और फिर आपको वो अगला सीन पसंद नहीं आया, लेकिन उसको निकाल तो नहीं सकते। तो आप कहते लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, सब निकाल नहीं सकते उस सीन को ड्रामा से। बाबा हमेशा कहते हैं every scene, हर सीन connected, वो इतने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बार बाबा ने मुरली में कहा, change the actors in this drama. अब ड्रामा में एक्टर भी बदल नहीं सकते दूसरे ड्रामा में। You can replace अगर एक्टर समझो बीमार पड़ गया तो बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पे बदल भी नहीं सकते। Everyone had been given, they have to play that part. जिनका जो पार्ट उन्हें मिला हुआ है वो उनको बजाना है, तो हम बदल नहीं सकते किसी का भी पार्ट। So then, whatever is the part of anyone, तो जो भी पार्ट है किसी का भी उसे स्वीकार करना है, but also appreciate सिर्फ it. स्वीकार ही नहीं लेकिन उसकी सराहना भी करनी है, और दिल से सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना रहे हर एक एक्टर के लिए जो इस ड्रामा में है। बाबा तो चाहे वो निश्चय बाबा में हो, अगर मैं एक कदम हिम्मत का उठाती हूँ तो बाबा बहुत सारे कदम आगे बढ़कर आते हैं, तो उसी को निश्चय कहते हैं।
some use that faith and some aur kuch us nischay ko use karte hain aur kuch thodi thodi wajah ke wajah se use nahi karte hain. It's only when you use faith then you have experience. Jab bhi aap nischay ko use karenge to anubhav bhi karenge aur jab aapne anubhav kiya hai to aapka nischay badh jata hai. Doing something chahe wo kuch karte hue anything we do without faith is kuch bhi hum kare nischay ke bagair shakya nahi hai sambhav nahi hai. ये निश्चय होगा कि मैं एक कदम उठाऊंगी और बाबा 10 कदम उठा के आ जाएगा तो ये निश्चय रहे. अगर निश्चय नहीं है कि बाबा नहीं आएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. थोड़े से ही कदम जाएंगे आपके योग्यता के अनुसार सिर्फ बढ़ेंगे. But those who are able to take big steps, लेकिन जो बड़े steps कदम उठाते हैं आगे बढ़ते हैं कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो निश्चय के आधार पर है. विल ऑलवेज क्रिएट सम रीजंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू डू. कुछ न कुछ इसी वजह बनाएगी कि आप नहीं करें वो कार्य ही नहीं करें. लेकिन करना तो है. व्हेन यू हैव दैट डिटरमिनेशन जब आप में वो दृढ़ता होगी एंड यू मेक इट हैपन एंड देन आप वो योर ओन कर देते हैं और आप देखेंगे सिर्फ हमारी आपका देखेंगे कि हमारा निश्चय बढ़ गया और अगले बार आप ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आत्मविश्वास आ जाएगा. कभी कभी ऐसे करते हैं कि पता नहीं करूं या नहीं करूं निश्चय नहीं है तो वो सूक्ष्म बंधन जैसे कि बंधे हुए हैं सभी को. But I belong to Baba. I am for Baba. लेकिन मैं बाबा की हूँ. बाबा को मैंने समर्पित किया है. Now, all of us expect so much from Baba, right? हम कितनी अपेक्षा रखते हैं बाबा से. बाबा का स्नेह बाबा की शक्तियाँ बाबा की मदद Baba's presence. बाबा की उपस्थिति. But what should Baba expect from us? तो बाबा की अपेक्षा क्या होनी चाहिए हम हमारे से. So if I say yes to Baba, I am available. और अगर मैं बाबा को हाँ कहती हूँ हाँ मैं हाजिर हूँ बाबा और मैं एक कदम आगे बढ़ाती हूँ हमेशा सोचना है कि और ज्यादा क्या कर सकती हूँ बाबा के लिए. हम तो सेवा ही करते हैं और सेवा है बेहद आत्माओं के लिए. Their intellect is always in what way I उनकी बुद्धि यही होनी चाहिए. बुद्धि में यही होना चाहिए कि किस तरह से मैं सेवा करूं. एक जगह पर रहकर भी हमेशा सारे विश्व के बारे में सोचना. So whatever I do, it should be तो जो भी मैं करूं वो सभी के लिए कल्याणकारी हो. सर्व आत्माओं के लिए विश्व की सर्व आत्माओं के लिए कल्याणकारी हो. चाहे मेरे मुझे जिम्मेवारी दी गई है लिमिटेड के लिए के सेंटर के लिए कि कुछ चलो इन आत्माओं के लिए सेवा करनी है. लेकिन दिल में आपको विश्व कल्याणकारी की भावना होनी चाहिए और आप कदम उठाते हो and then it happens. और फिर वो हो जाता है. immediately increase. तो आपका निश्चय उसी समय बढ़ जाएगा. So, with दादी जानकी, तो दादी जानकी के साथ less faith 1% भी कम नहीं होता था किसी भी जो भी कार्य वो करे. She is traveling. She is at one place. अगर वो यात्रा कर रही हैं, एक जगह पर है 3 दिन के लिए गई और 2 दिन के बाद उन्हें लगा कि यहाँ पे जरूरत नहीं है और एक दिन बिताऊं, तो वो कॉल करके कहेंगे मुझे यहाँ से जाना है. हम कहेंगे दादी लेकिन टिकट कैसे मिलेगी एक दिन की बदली करके.
I have to go. वो कहते थे मुझे जाना है. Get ticket for that. और जो वो व्यक्ति दादी के लिए टिकट्स हमेशा अरेंजमेंट करते थे, बोला ज्यादा करके नहीं होता है, लेकिन मुझे पता है कि क्योंकि दादी जान के कह रही है तो वो हो जाएगी. और वो हमेशा हो जाता था, मिल जाते थे टिकट. क्योंकि अगर आपको निश्चय है तो दूसरे को भी जो मदद दे रहा है उसको भी निश्चय आ जाता है. अगर कोई और होता तो मैं शायद ट्राई भी नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो दादी जानकी ने कहा, मैं हमेशा ट्राई करता था क्योंकि मुझे पता था कि ये होगा ही होगा. तो फेथ इन बाबा, फेथ इन बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, फेथ इन वन्स ओन गुड विशेस टू, अपने स्व के शुभ भावनाओं, शुभ कामनाओं पर निश्चय. ऑल दैट फेथ अप्लाई तो उस सारे निश्चय को यूज करें बेहद में. And make impossible possible. और असंभव को संभव बना दे. So that we are able to claim unlimited fortune. बेहद के भाग्य को पा सके. So it's so interesting the way every day. तो इतनी दिलचस्प बात है कि सारे दिन में होमवर्क करते समय भी एक कदम के बाद में दूसरे कदम बढ़ाएं. Detached lovely, now is faith in the intellect. न्यारा और प्यारा और अब निश्चय बुद्धि. Every action we are doing, क्योंकि हर कर्म जो हम कर रहे हैं, हर संकल्प जो हम सोचते हैं, वो पवित्र संकल्प है, तो उसका रिजल्ट भी बेहद का होगा. And because we are so selfless, right? It's not I want. क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से करते हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए. We want whatever I do, I want the whole world to benefit from that. जो भी मैं करूं, मैं ऐसा सोचूं कि सारे विश्व का कल्याण हो, तो ये बेहद का सेवा हो गई. Everyone कि सभी का कल्याण हो, सभी ऊंचा उठे. So apply faith and do it. And then निश्चय हर जगह यूज करें और देखें will increase more and more. आपका कैसे निश्चय बढ़ जाता है. I have to have faith in my companion. भगवान का साथी होने के लिए उस साथी में निश्चय होना चाहिए कि वो कैसा है. Everything, right? बाबा क्या कर सकता है, सब कुछ. But have 100% faith. Even लेकिन शत प्रतिशत निश्चय होना चाहिए. 1% भी अगर डाउट आया तो यानी कि विघ्न आ सकता है. निश्चय यानी कि निश्चय. Means victory. और निश्चय यानी कि शक्ति. निश्चय यानी कि विजय. निश्चय में शक्ति भी है, विजय भी समाई हुई है. If I say to Baba something, then have faith. अगर बाबा को कुछ कहा तो निश्चय रखो, तो बाबा कर ही देगा उसको. Okay, so now ठीक है. Intellect. अब वो निश्चय बुद्धि. Let's connect our intellect with Baba. चलो अब ओम शांति. ठीक है, बाबा के साथ जोड़ देते हैं. ओम शांति. आप सुनेंगे मम्मा से मुरली. Welcome to Avyakti Journey, Mama's. सबका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में. मम्मा की मुरली, लक्की और लवली सितारा, जो सुनती थी, मनन चिंतन करती थी, धारण करती थी और प्रेरणा देती थी.
गुरु के मत पर। धन के बच्चे है नहीं अब यहाँ, अब धनी मिला है, आगे तो निधन के थे। धनी के बिना बुद्धि भटकती थी तो सब कुछ भटकता था ना। अभी तो नॉलेज है, रोशनी है, बुद्धि धन की है। अभी अभी मालूम है धनी कौन है, किसको याद करने का है। तो अभी धनी के तरफ बुद्धि को रखने का है, और धनी के ऑर्डर पर, हुक्म पर, कहते ने हुक्म ही हुक्म चलाए रा, अभी चलाते हैं, अभी उसके हुक्म पर चलते हैं। इसके पहले नहीं थे हुक्म ही हुक्म चला, वो तो चाहे पता भी हिलता है ना, उसके हुक्म से हिलता है। वो पत्ते का हुक्म करने वाला थोड़ी है, पत्ते को तो हवा चलाती है। पत्ते को कोई वो कहते पता हिलो, भगवान का काम यही है पता हिलो, फलाना ये करो ये करो ये करो, वो थोड़ी ये बैठ करके ऑर्डर करेंगे। हाँ फिर तो चोर को कहेगा चोरी करो, हाँ तो वो भी ऑर्डर उसका हो जाएगा। हा? नहीं, ये ऑर्डर नहीं है उसके, उसका ऑर्डर अभी ये जो हमको मत मिलती है अभी, कि कैसे अपने को पवित्र रखो और किस तरह से अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, ये है उसका हुक्म। तो अभी हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, अभी वो अपना हुक्म दे रहा है और हमको कैरी आउट करना है, उसके मत पर रहना है और मत पर चलना है। तो अभी बाप कहते हैं अभी मेरा हुक्म जो है उसको मानो, और अभी के लिए, क्योंकि अभी दुनिया का अंत है और नहीं दुनिया बनाता हूँ, उसके लिए अपना ये अभी फाउंडेशन डालो। तो अभी फाउंडेशन डालने का टाइम है ना, तो अभी उसमें अपने स्पिरिटी को धारण करने का अच्छा ख्याल रखो और प्रैक्टिकल। तो इसीलिए बाप का जो मत मिल रही है और जो भी उसकी फरमान है उसी पर रह कर कर करके बाप कहते हैं फरमान है मुझे याद करो और अपने कर्म को पवित्र रखो, अथवा विकारों के संग में कोई काम मत करो, तो इसका भी पालन करो। और फिर भी कहते हैं पिछला तुम्हारा खाता तुमको कहाँ कहाँ रुकावट डालेंगे कोई कर्म बंधन के रूप में, हाँ तो भी कहते हैं तुम्हारे को भी अपना ज्ञान योग तो मिला है, उसके आधार से उसको साफ करते रास्ते को आगे बढ़ो। पर तू कहाँ मुंझ हो, तो फिर भी मैं बैठा हूँ ना, अभी हूँ हाजरा हजूर हूँ अभी, हाँ अभी ओमनी प्रेजेंट, ऐसे नहीं है कि ओमनी प्रेजेंट है ही है, नहीं अभी हुआ हूँ, अभी प्रेजेंट हूँ। तो अभी जब मैं प्रेजेंट हूँ तो मेरी हाजरी में अभी मेरे से हाँ तुम राय भी ले सकते हो। अभी आता हूँ मैं बोलता हूँ, देखो मैंने तुम्हारे लिए लोन लिया है, किराए पे मकान लिया, इसको बहुत किराया देता हूँ, ऐसा नहीं है मुफ्त में, तुम बच्चों के लिए मैंने किराए पे मकान लिया है, हाँ मनुष्य का तन लिया है तो उसको मैं किराया देता हूँ बहुत भारी, देखो कितना किराया दिया है, हाँ ऐसा बनाया उसको, हाँ ये कम किराया थोड़े ही है, वैकुंठ का हाँ महाराज उसको बनाया, भले उसका अपना भी पुरुषार्थ रहा परंतु हाँ मैं आया हुआ हूँ, पुरुषार्थ भी तो तभी रहा ना, हाँ तो मैं तो कहूँगा ना, तो वहाँ देखो उनको क्या मिला। तो बाप कहते हैं बच्चे हाँ इसीलिए मैं कोई मुफ्त में नहीं आया हुआ हूँ, मैं बहुत किराया देता हूँ, सारे विश्व का मालिक है, बनाता हूँ तुम बच्चों को, हाँ इसीलिए उसके लिए मैंने तन लिया है। तो फिर हाँ तुम बच्चों के लिए ही तो सही ना, फिर कोई भी राय है कोई भी सलाह है पूछ सकते हो, कोई उसमें नहीं, भले दूर हो कोई कहाँ है कोई कहाँ है, तो चिट्ठी पत्र के जरिए भी हो सकता है। और कोई ऐसी बातें भी होती हैं तो देखो कोई लंदन में काम चलते हैं, कभी कोई ऐसी बात होती है समझते से नुकसान पड़ेगा हाँ चढ़ जाएगा, तो ये भारी नुकसान है नहीं, हमारे जीवन का कुछ नीचा ऊंचा हो और हमारी इतने जन्मों की कमाई चली जाए, ये सबसे बड़ा नुकसान न हुआ हा? सबसे बड़ा नुकसान, देखे कोई ऐसी बात है तो चर भी आ जाना चाहिए हा? परंतु हाँ कोई ऐसी बात पड़ती नहीं है जो चर आवा, क्योंकि ये तो अपना ज्ञान ऐसा है जिसे समझ इतनी मिली है कि हमको करना क्या है वो हम अपने बुद्धि से भी समझ सकते हैं, क्योंकि बुद्धि मिली है ना अभी। तो भी बाप कहते हैं इतना अपनी संभाल रखनी चाहिए, इस बातों में गफलत नहीं रखनी चाहिए, कुछ नीचे ऊंचे हुआ तो होने दो नहीं, कि अपने को संभालते और अपना पुरुषार्थ आगे रखो, जितना जितना रखेंगे अच्छा ही है। और अच्छी तरह सभी बातें बुद्धि में रखो, ये नोट्स लेते हैं कोई कोई ये भी अच्छा ही है, नोट्स रहेगा याद रहेगा उसमें नोट करेंगे फिर आप जिस समय बैठेंगे फिर खोल के देखेंगे रिमाइंड रहेगा याद रहेगा। तो ये पॉइंट्स लेना नोट करना ये सब पढ़ाने वाले जो स्टूडेंट लिखे होते हैं ना वो सारा अपने पढ़ाई में अटेंशन वो समझेंगे ये पॉइंट हाँ अच्छी है दूसरे किसी को समझाने के लिए अच्छी है नोट करेगा फिर अपने भी बुद्धि में रखेगा अपने भी समझने के लिए
दूसरों को भी इस तरीके, ये तरीके भिन्न भिन्न तरीके होते हैं ना, आज ये तरीका समझाने का बहुत अच्छा रहा। बाबा के मुरली में ऐसी पॉइंट अच्छी थी इस तरीके से, मामा के मुरली में ऐसी पॉइंट अच्छी थी दूसरे को इस तरीके समझाने से, तो ये भिन्न भिन्न तरीके। So I will announce tomorrow that the double foreigners program and we'll go through the timing. So double foreigners ka program jo bhi hoga to hum aapko timings bhi bata denge, kal bata denge. Ab hum nimantrit karte hain hamari farishta behan Judy behan ko. Thank you, Bhumika. Om Shanti, everyone. Bhumika Ben. Evening. Om good Shanti, ab sabhi ko. Good evening. Good morning. Do you bodyless all day? Sara din ashariri rahe. Bahut acha kiya aapne. Aap nyare rahe, pyare rahe, aur ashariri bane rahe. The little Avyak signal was about being detached. So this was really the day. Nyara aur pyara. To aaj ka din yahi tha. Nyare aur pyare rehna. 8 days ago, when we started, maintained certain states of awareness so that Smriti aisi banaye rakhti thi taki wo bhagwan ki saathi bani rahe, to wo aisi sthiti mein khud ko rakhti thi. तो सदा भगवान को साथ रखती थी. याद है आपको क्या थे वो? Honesty. एक है ईमानदारी, सच्चाई, साफ दिल, spiritual love, रूहानी स्नेह. You remember with spiritual love, this is love from Baba that gets shared, and you remember बाबा से जो स्नेह मिलता है, जो हम शेयर करते हैं, और साफ दिल के साथ हम योग करते हैं, फिर पवित्र संकल्प. मैंने पवित्र संकल्प के लिए, दादी गुलजार के लिए पवित्र संकल्प लिया था कि मेरा बाबा और दादी जानकी के लिए मैं कौन हूँ और मैं किस. And then purity is the mother of peace. So the next पवित्रता talked about जननी है mind, right? How do we शांति की minds at peace? हमने अगले दिन बात किया था शांति से भरपूर मन कैसे. हम जब शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हैं तो आप सिर्फ एक की तरफ नहीं फैलाते हैं, सबको. तो जहां पे भी युद्ध चल रहा है, परिवार है, सभी को वो वाइब्रेशन शांति के प्राप्त हो रहे हैं. फिर हमने बात की थी कि कैसे विघ्न को मिटाना है, कैसे आप इसको इस विघ्न को दिल से निकाले जो बाबा को दूर रख रहा है हमारे से. तो ऐसे संकल्पों को हटा दें जो अपवित्र हो, जो बाबा से मुझे दूर कर देते हैं. तो न्यारा और प्यारा हमने आज वो अभ्यास किया. फाइनल वन ऑफ दीज एट, और इस आठवां आज है, आखिरी वाला है, वो है. एंड दीदी हैज जस्ट गिवन अस अ नाइस चैट अबाउट फेथ, निश्चय बुद्धि. दीदी ने आज हमें बहुत अच्छा बताया निश्चय बुद्धि के बारे में. दादी जानकी से आपके साथ यही शेयर करूंगी जो दादी जानकी ने कहा मेरे नोटबुक में से. 21 फरवरी 2012
in her meeting room. उनके मीटिंग रूम में उन्होंने ग्रुप को बुलाया. As a force. और उन्होंने बताया कि निश्चय कैसे एक फोर्स है. वो बाबा का वंडर है. Everything. अगर ऐसा फीलिंग है कि सब कुछ हो सकता है. Naturally. सब कुछ स्वाभाविक हो रहा है, नेचुरल हो रहा है, और भविष्य के लिए भी सब कुछ नेचुरली हो जाएगा. यह निश्चय ही हमारे लिए एक फोर्स बन जाता है, जो जैसे कि चीज इसे अपने आप होने लगती है. इस निश्चय के बगैर आपके मन में संशय होगा, फिर so कुछ चीजें गलत भी होने लगेंगी. तो संशय भी जैसे कि एक फोर्स है, लेकिन वो नेगेटिव फोर्स है. गलत डायरेक्शन में चीजें चली जाएंगी. फिर दीदी ने बताया दादी के बारे में कि जो भी दीदी दादी को जानते थे, वो उनको ये समझते थे कि चाहे जितना भी समय लगे, कभी भी कोई भी किसी को भी छोड़ नहीं देना है. अगर कोई कल्याण के रास्ते पर से छोड़कर दूसरी तरफ भी जा रहा है, लेकिन उसके साथ कनेक्शन नहीं तोड़ना. उन्होंने कहा दूसरे बहुत समय लेते हैं उस लेवल तक पहुंचना जो उन्हें प्राप्त करना चाहिए, लेकिन जब वो उस लेवल तक पहुंचते हैं तो उसके लिए हमें उत्सव जैसा मनाना चाहिए. तो इस लेट गो ऑफ देम, इस समय उन्हें छोड़ना नहीं है. उनकी विशेषताएं देखें और हल्का बने रहे. अगर हम परिस्थितियां सोचेंगे उस आत्मा की, तो हम हैवी बन जाते हैं. तो हैवी संकल्प बोझ बन जाते हैं. दादी जानकी ने 104 साल की थी. उनका सिचुएशंस ऑफ द सोल वी बिकम हैवी. अगर हम परिस्थितियों के बारे में सोचेंगे आत्मा के, तो हम हैवी बन जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ जाता है. तो कभी भी ये नहीं कहना कि ये प्रॉब्लम है. thoughts. कभी भी हैवी संकल्प नहीं हो, बोझ वाले संकल्प नहीं हो. हमेशा संकल्पों से मुक्त रहें, अगर हो सके तो. Back to her sitting room. पहले sitting there, she's talking. उनके सिटिंग रूम में बैठे थे. फिर से बुद्धि के निश्चय के बारे में बता रही थी. Faith. उन्होंने दीदी ने भी कहा आज रात को, निश्चय अनुभव लाता है. So what she means अनुभव निश्चय लाता है, तो उसका मतलब क्या है? अगर faith, मुझे में निश्चय है कि कुछ वंडरफुल होने वाला है, मैं मधुबन जा सकती हूँ इस साल, या relationship with someone in my family, etc. I hope अपने परिवार में एक सुंदर संबंध बनाने वाली हूँ, तो वो निश्चय right? आप में अनुभव लाता है. Now ऐसा होता है. The experience, और अब मुझ में जब अनुभव मुझे अनुभव है, तो फिर फेथ भी ज्यादा हो गया. तो देखा आप कैसे वो काम करता है. तो निश्चय अनुभव लाता है और अनुभव निश्चय बढ़ाता है. And she said, "Then the way you see फिर उन्होंने कहा कि फिर आप जिस तरीके से देखते हैं, तो दृष्टि बदल जाती है. By saying, it is और उन्होंने बताया कि बुद्धि में ही निश्चय होता है और faith that में इतना शक्तिशाली निश्चय होना चाहिए कि वो वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंचे. Habit. संशय एक आदत है. Doubt is a habit. My powerful intellect संशय एक आदत है. should finish मेरी शक्तिशाली बुद्धि habit of doubt उनकी इस संशय वाली आदत को खत्म कर दे, चाहे वो छोटी छोटी चीजें ही क्यों ना हो. Time around daddy जिन्होंने दादी के साथ समय बिताया जानते हैं
कि उनका निश्चय बहुत ही ऐसे फोर्स जैसा था, उनके सामने डाउट कोई शब्द ही नहीं था, संशय जैसा कोई शब्द ही नहीं था, क्योंकि उनके बुद्धि में इतना निश्चय था, हम सभी में निश्चय था, निश्चय था कि हम पहुंच जाएंगे जरूर जहां पहुंचना है. तो कल विशेषता जो है, जो बाबा का आह्वान करे कि मेरा साथी है बाबा, तो चेक करना कि सारे दिन में क्या कभी भी संशय आया, और अगर आपने देखा तो फुल स्टॉप सोचना, फिर फुल स्टॉप लगाकर निश्चय में बदल देना, निश्चय बुद्धि भरपूर हो निश्चय में, तो निश्चय स्वयं में, ड्रामा में, बाबा में. Faith in the intellect. बुद्धि में निश्चय. Faith in the intellect. जीवन में खुशी और नशा लाता है. Happiness in life. जो सदा निश्चय. Those who constantly have faith. विजयी रहता है. Intellect. And who वातावरण को भी शुद्ध बना सकता है. Purify the atmosphere. और अपनी मनसा से सेवा कर सकता है. Their minds. Let there be faith in Baba. और खुद पर निश्चय रखो. कमजोरी के व्यर्थ संकल्प allow wasteful thoughts नहीं करो. Of weakness to arise. ड्रामा के witness हर सीन को पूरे निश्चय से देखो. Faith. तो आप विजयी रहेंगे. So tomorrow, तो कल अमृत वेला, अमृत वेला से लेकर सारे दिन में शाम तक जब तक हम कल मिले, अपनी बुद्धि को निश्चय से भरपूर कर दें. मेडिटेशन. अब हम योग करते हैं. Faith in the intellect. बुद्धि में निश्चय. Faith in the intellect brings बुद्धि में निश्चय जीवन में खुशी और नशा लाता है. Those who constantly have जो सदा निश्चय बुद्धि विजयी रहता है, वो वातावरण को भी शुद्ध बना सकता है और अपनी मनसा से सेवा कर सकता है. And faith in the बाबा पर और खुद पर निश्चय रखो. Do not allow कमजोरी के व्यर्थ संकल्प नहीं करो. Witness every scene of drama के हर सीन को पूरे निश्चय से देखो, तो आप विजयी रहेंगे. Thank you.
निश्चय बुद्धि, बुद्धि में निश्चय, जीवन में खुशी और नशा लाता है। जो सदा निश्चय बुद्धि विजयी रहता है, वो वातावरण को भी शुद्ध बना सकता है और अपने मनसा से सेवा कर सकता है। बाबा पर और खुद पर निश्चय रखो। कमजोरी के व्यर्थ संकल्प नहीं करो। ड्रामा की हर सीन को पूरे निश्चय से देखो तो आप विजयी रहेंगे।